आज आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन ने वॉल ऑफ पीस इनॉग्रेट की है फिरोजपुर आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में। हमने जितने भी वॉर कंट्रीज हैं, जो वॉर के अंडर कंट्रीज हैं, उनके फ्लैग्स लिए हैं एंड ऑल द वुमेन डिपिक्टिंग दोज कंट्रीज एंड वी आर जॉइनिंग हैंड्स। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सो हम लोग, ये हमारा जो सामने दिख रहा है आपको सेंटर, यहाँ हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस होती हैं लेडीज़ के लिए। सो ये वॉल बड़ी अगली सी लगती थी मेरे को, मैं जब भी आती थी, सो मैंने सोचा इस पर कुछ करते हैं। सो देन करते करते ये आइडिया आया कि वाई डोंट वी गिव अ मैसेज ऑफ पीस टू द वर्ल्ड। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जितने भी वॉर कंट्रीज़ हैं, जो वॉर के अंडर कंट्रीज़ हैं, उनके फ्लैग्स लिए हैं एंड ऑल द वुमेन डिपिक्टिंग दोज कंट्रीज एंड वी आर जॉइनिंग हैंड्स टू गिव अ मैसेज to the world that peace is very important and I think we should make peace in the world. मैम, आप अगर से पहले भी जो ऐसी एग्जीबिशन पेंटिंग के जरिए पहले भी लगाई जाती थी तो वो एक तरीके का उसके साथ का ही ये चीज़ है, यही समझ लीजिए। बिकॉज मैं हमेशा, मेरा एक वो रहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, ऑफकोर्स लेडीज का जो हुनर है वो लोगों के सामने आए, क्योंकि कई होते हैं जो हुनर होता है बट वो दिखा नहीं पाते। सो वो मेरा हमेशा से पर्पज़ रहता है कि मैं किसी को अगर इंस्पायर कर सकूँ और मोटिवेट कर सकूँ टू कम आउट। मैम, क्या लगता है, क्या जो तस्वीरों के जरिए हम कोई मैसेज दे पाते हैं? मुझे लगता है कि तस्वीरों के जरिए जो मैसेज दिए जाते हैं वो सबसे पावरफुल मैसेज होते हैं, क्योंकि एंड उसमें एक चीज़ और भी है कि हर इंसान जिस नज़र से उस तस्वीर को देखता है वो अपना मैसेज खुद ले बनाता है और खुद लेता है। सो वो काफ़ी ओपन मैसेज होता है, यू कैन इंटरप्रेट योर ओन मैसेज, एंड एक आर्टिस्ट के लिए आई थिंक तस्वीर ही जरिया है मैसेज देने का। आज के मिडिलिस्टिक वर्ल्ड में आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, यूथ को उसको क्यों जुड़ना चाहिए? आर्ट की इम्पोर्टेंस ये है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आर्ट इज़ एनरिचिंग फॉर योर सोल, एंड आज के ज़माने में जब हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हर चीज़ से, आप लोग मेंटल हेल्थ की हमेशा बात सुनते हैं हम लोग, सो दिस इज़ ऑल, ये सारी देन जो है वो मटेरियलिज्म की देन है, ऑल दीज मेंटल हेल्थ। आप सोचिए पुराने ज़माने में लोग बिज़ी, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में रहते थे, घरों में संगीत के प्रोग्राम होते थे, गाती थी लेडीज़, नाचती थी वो, तो ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ वगैरह नहीं होता था। अभी वो चीज़ें कम होती जा रही हैं, हम लोग मोर इनटू द मटेरियल कि मेरे पास गाड़ी कैसी है, कि मैंने कपड़ा क्या पहना है। सो मुझे लगता है कि अगर हम आर्ट की तरफ जाएंगे, वो चाहे म्यूज़िक हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, तो इट विल गिव पीस टू आवर माइंड, टू आवर सोल एंड टू आवर सोसाइटी ऑल्सो। That's why, that's what I feel. तो जो हम लोगों ने यहाँ पे वॉल पेंटिंग की है इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि हम पूरे देश में जो भी है अपना शांति पीस चाहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जो भी हो अपने शांति से अच्छे से हो जाए। तो मैम, इसका मैसेज आपने एक पेंटिंग के जरिए दिया? पेंटिंग के जरिए दिया है, हम लोगों ने सब ने एक कोशिश की है अपनी पेंटिंग के जरिए अपना पूरे देश में फैलाने के लिए की पीस। कितने आर्टिस्ट थे? हम टोटल 1500 आर्टिस्ट हैं। हाँ जी सर। आज आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन ने वॉल ऑफ पीस इनॉग्रेट की है फिरोजपुर आर्मी कैंटोनमेंट एरिया में, एंड एज यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल वॉल। आई थिंक ये पीस ही नहीं डिनोट कर रहा है, ये फेथ, होप और जो सारी चीज़ें हमारी आर्मी सिंबॉलिक है उसको डिनोट कर रहा है, हमारी जो फोर्सेज हैं उसको डिनोट कर रहा है। आई बिलीव कि इन सारों ने बहुत ही उम्दा प्रयास किया है कि दे हैव कम फॉरवर्ड एंड सारी आर्मी वाइफ्स ने मिलकर ये एक तरह का जेड़ा मैसेज हैगा साढ़े फिरोजपुर नहीं पूरे पंजाब तो पूरे भारत में दिता है कि देखो पीस इज़ वॉट वी आर एमिंग फॉर, एंड एज आर्मी वाइफ साइलेंटली वेट फॉर देयर हस्बैंड्स हू आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर। आई थिंक उन्होंने बहुत ही वधिया मैसेज दे के सानू और भी प्रेरित किया है।